हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस पार्ट थ्री में हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ़ द थ्री नंबर, तीन नंबर है मेरे पास, कौन कौन से हैं, 9, एक एक्स है और एक 21 है, आर इन ए पी फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। एक है 20, एक है 15, एक है 10 और एक है 25। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए। ये उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास ए पी है 2, 4, 6। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, ये क्या है, ए वन है फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये क्या है थर्ड टर्म है। ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो तो चार में से दो माइनस के दो, डी यहाँ कैसे निकालेंगे, ए थ्री में से ए टू माइनस कर दो तो छः में से चार के दो। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुझे ये बात पता चली, ए टू माइनस ए वन भी दो है और ए थ्री माइनस ए टू भी दो है, तो यानी कि ये चीज़ें दोनों क्या बराबर में हैं, ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ठीक है दोस्तों, ये बराबर है तो ये मेरे पास एक कंडीशन होती है। ठीक है, अगर कोई मेरा नंबर ए पी में है तो ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है। तो अब ये तीन नंबर है ए पी में है, अब तीन नंबर ए पी में है, मैं इसको अगर ए वन मान लूँ, इसको ए टू मान लूँ और इसको ए थ्री मान लूँ, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है यहाँ पे 21 माइनस ए टू क्या है एक्स इज इक्वल टू ए टू माइनस एक्स वन, ए टू क्या है सॉरी ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन क्या है 9। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लो, 21 ये 9 इधर क्या हो गया प्लस में हो गया और x ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस का हो गया, तो क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 30। ठीक है दोस्तों, और x की वैल्यू क्या आ गई 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पे 9 की जगह पे आ गया 1/2 और 21 की जगह पे आ गया 7/2। सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्स, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 2, 4, 6, 8। तो कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नंबर क्या ए पी में है, ए पी में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो क्या करेंगे ए टू माइनस सॉरी ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू 7/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ठीक है दोस्तों, ये एक्स उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये 1/2 उधर आके प्लस में हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे दो एलसीएम आ गया, यहाँ पे बन गया 8/2 और यहाँ पे बन गया 2x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बन गया 4, यानी कि 4 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू क्या आ गई 4/2 तो 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंजिकेटिव नंबर, तीन कंजिकेटिव नंबर हैं उनका सम क्या है 27 है। ठीक है दोस्तों, और देयर प्रोडक्ट, और उन नंबरों का प्रोडक्ट है 585, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मुझे उन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना कौन सा है, और मुझे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक मेथड तो है इसका लॉन्ग मेथड है भी, आप लंबे मेथड से करेंगे क्वेश्चन, दूसरा मेथड क्या है आप ऑप्शन की हेल्प से भी इन इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो वो तीन नंबर हैं उनका सम क्या है 27 है, यानी कि उनको तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा 27 आएगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप तीन ऐसे नंबर सेलेक्ट कीजिए जिनका सम क्या है 27 आए। आइए देखते हैं, पहले मैं इन तीन नंबरों को लेकर देखता हूँ, 9 और 8 17 17 और 5 22, 9 + 8 + 5 22, यानी कि तीन नंबर ये तो हो नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं इन तीनों को जोड़ के देखता हूँ, 13 और 5 क्या होते हैं, 13 और 5 18 18 और 8 कितने होते हैं 26। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या, मुझे सम क्या चाहिए 27, यानी कि ये भी क्या इसका राइट आंसर, ये तीन नंबर भी नहीं हो सकते। उसके बाद चेक करते हैं ये तीन नंबर, ठीक है दोस्तों, 9 और 5 13 + 5 + 9, इन तीन नंबरों को लेकर देखो,
13 और 5 18, 18 और 9 कितने होते हैं 27। ठीक है दोस्तों, इनका समतुल 27 है और उन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई भी करना चाहिए 585। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। ठीक है दोस्तों, 13 पंजे 65 और 65 नाए कितने होते हैं 5 नीम 45, 4 नौ के 54, 54 और 4 कितने होते हैं 58, तो 585। हाँ जी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यही तीन नंबर हैं वो, ये तो कन्फर्म हो गया। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 13, तो 13 क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन मान लो यहाँ पे ये तीनों नंबर ना दिए होते, यहाँ पे कुछ और दिया होता, यहाँ पे दिया होता 7 और यहाँ पे दिया होता 12। हाँ जी, तो अब ये ऑप्शन वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि जो तीन नंबर है वो नंबर दे रखे ऑप्शन में, मुझे नंबर अलग अलग दे रखे हैं मुझे। ठीक है, तो इस फिर उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता हूँ, वो मेथड भी देख लेते हैं कैसे। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मेरे पास दे रखे 3 कंजिगेटिव नंबर। अगर मेरे पास स्टेटमेंट में 3 कंजिगेटिव नंबर आ जाए, एपी में 3 कंजिगेटिव नंबर एपी में आ जाए, तो वो नंबर मैं किस टाइप के लेता हूँ, वो नंबर लेता हूँ हमेशा मैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। ठीक है दोस्तों, अगर 3 आ जाए, 3 कंजिगेटिव नंबर आ जाए, अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाता, सम ऑफ 4 कंजिगेटिव नंबर 4 आ जाता, तो मैं नंबर किस टाइप के लेता, तब नंबर लिए जाते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए 5 कंजिगेटिव नंबर आ जाते, तो 5 कंजिगेटिव नंबर किस टाइप से लिए जाते हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है दोस्तों, अगर तो 3 कंजिगेटिव नंबर आ जाते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं, 4 इस टाइप से और 5 इस टाइप से, काउंट कर लो 1 2 3 नंबर यहाँ हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे हैं। क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ आएगा आपको। तो क्या दे रखा है वो, द सम ऑफ 3 कंजिगेटिव नंबर, तीन नंबर ये हैं, इनका सम, इनका सम कर लो यहाँ पे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। इनका सम क्या है 27 है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड कंडीशन, इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो ऐसे होएगा 585। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लो, ए ए ए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू आ गया 27, ए की वैल्यू क्या आ गई 9, ए की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कीजिए ए की वैल्यू यहाँ 9 माइनस के डी, ए की वैल्यू यहाँ 9 और ए की वैल्यू यहाँ 9 प्लस के डी, ये ए है दोस्तों, ये क्या है मेरे पास ए है, यहाँ भी ए है ये और यहाँ भी ए है। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 585। ठीक है, ये 9 यहाँ चला गया, 9 यहाँ चला गया, यहाँ कह रहा है 9 माइनस के डी 9 प्लस के डी, ये क्या बन गया फार्मूला, ए स्केयर माइनस के बी स्केयर, 9 का स्केयर 81 और माइनस के डी स्केयर इज इक्वल टू, ये कट गया कितने पे गया 9 5 45, 9 6 54 और 9 5 45, ठीक है 65 आ गया, तो ये क्या आ गया 65, तो डी स्केयर क्या आ गया 65 माइनस के 81, तो डी स्केयर क्या आ गया माइनस के 16 माइनस डी स्केयर, तो इसके साथ कट गया, तो डी स्केयर क्या आ गया मेरे पास 16 और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है दोस्तों, अब डी की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दो, यहाँ पे 4 पुट कर दो और ए की वैल्यू 9 पुट कर दो, आइए देखते हैं डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 9 पुट करेंगे, 9 माइनस के डी की वैल्यू 4, 9 माइनस 4 और ए की वैल्यू 9। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 9 प्लस 4 तो क्या आ गया 5 9 13, ये वो तीन नंबर आ गए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ तो मैं बड़ा नंबर क्या है 13, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 13, तो ये आ गया इसका राइट आंसर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट, 69 को तीन पार्ट में मुझे तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, और वो तीनों पार्ट किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, जो दो स्मॉलर पार्ट है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए मेरे पास 483 होना चाहिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले मुझे 69 को तीन स्मॉलर पार्ट में तोड़ना है और वो तीनों पार्ट किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन देखूँ तो वो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो तीनों पार्ट एपी में होने चाहिए। मान लीजिए ये तीनों पार्ट हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट एपी में है।
पहला पार्ट चेक करते हैं एपी में है। हाँ जी ये एपी में है, एपी में कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए तीन नंबर है मेरे पास, इनको एपी में कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है दो, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस दो है, ये पार्ट एपी में है यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। इस पार्ट को चेक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है एक और यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है दो, यानी कि ये पार्ट एपी में नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो मेरे पास रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसको देखते हैं, हाँ जी इसको देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है माइनस एक और यहाँ पे डिफरेंस माइनस एक, यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है माइनस एक और यहाँ पे माइनस दो, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूँ, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। आइए चेक करते हैं, उसके बाद कंडीशन क्या है, स्प्लिट 69, उनका सम क्या आना चाहिए 69 आना चाहिए, इन दोनों को सम करके देखो 69 आ रहा है, पाँच और तीन आठ और एक नौ, दो और दो चार और दो छः, 69, हाँ जी 69 आ रहा है। इसका सम करके देखो, नौ और एक दस, दो और दो चार एक पाँच और एक छः, इसका सम तो 60 आ रहा है, यानी कि ये गलत है, यानी कि एक है मेरा राइट आंसर है। मान लीजिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती, फिर मैं थर्ड कंडीशन देखता, दो स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट करके देखता, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा, तो एक आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, चतुर्भुज, किसी भी टाइप का चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर होता है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटर चार भुजाएं हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, आर इन एपी, जो क्वाड्रिलेटर के एंगल है ना वो एपी में है, ये चार एंगल है, ये क्या है एपी में है। ठीक है दोस्तों, और कंडीशन क्या है, द ग्रेटेस्ट एंगल, जो बड़े वाला एंगल है ना, इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल का दुगना करके जितना प्राप्त होता है वो मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, मुझे सबसे छोटा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम क्या होता है, 360 होता है, जैसे ये और ये चार एंगल है, इन चारों एंगलों का सम क्या होता है, 360 होता है, 360 मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम 360 होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करके देखने की कोशिश करूँगा। आइए, तो पहले क्या है, चार ऑप्शन है मेरे पास, सबसे पहले आप चार ऑप्शनों का सम करके देख लीजिए, अगर चार ऑप्शन का सम 360 आ रहा है तो आपको यहीं से आंसर मिल सकता है। करके देखते हैं, 100 में 60 जोड़े 160 में 120 जोड़े कितना आ जाएगा, 160 में 120 जोड़े 280 और 280 में 80 जोड़े 360, यानी कि इन चारों, ये चार ऑप्शन है, इन चारों का सम क्या है मेरे पास, डिग्री में है दोस्तों, एंगल है डिग्री, ये चारों ऑप्शन है, इनका सम क्या है 360, यानी कि चारों एंगल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरे पास, हाँ जी हो रही है। उसके बाद ये एंगल क्या है, चारों एपी में है, अब ये चारों एंगल एपी में देखो है क्या नहीं, हाँ जी 60 80 100 और 120 एपी में चेक करें, यहाँ क्या है 20, यहाँ क्या है 20, यहाँ भी क्या है 20, हाँ जी ये चारों एपी में है, यानी कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसी में से आंसर मिल सकता है मुझे। उसके बाद देखते हैं, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे बड़ा ये हो सकता है, इसमें इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल ये है, इसका दुगुना करके देखो 120, यानी कि 120, हाँ जी ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं चारों आंसर, यानी कि चारों ही क्वाड्रिलेटर के एंगल हैं, और उसमें सबसे छोटा एंगल क्या है मुझे, स्मॉलेस्ट एंगल 60, तो इसका आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा भी किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।